कुछ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया जो हमने लास्ट कैंपिंग की थी उसके बाद, तो मैं थोड़े काम में बिजी हो गया था, तो कितने टाइम से हमने कैंपिंग नहीं की। तो अब रेडी हो चुके हैं हमारे आज की कैंपिंग के लिए। सनसेट भी हो चुका है, ये देखो कश्मीर में पहने बर्फ में पहने वाली जैकेट है। -50 डिग्री वाली है जैकेट, और मेरी वाली हो रही। और तो अभी हमें जाएंगे बाइक में, और कुहाड़ी साथ में रखेंगे सेफ्टी के लिए, और हमें काम भी आएगी लकड़ी वगैरह तोड़ने के लिए। देखो ऐसा रास्ता है, जंगल का रास्ता चालू हो गया है, और देखो ये पहाड़, वो ऐसा कुछ रास्ता है। तो धीरे धीरे जा रहे हैं हम, देखो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, और थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा। इधर हमारी बाइक छोड़ दी है, और यहाँ से चढ़ेंगे पहाड़। तो देखो ये पहाड़ है दोनों, तो ये पहाड़ के ऊपर जाएंगे। इतने तक पहुंच गए, इतना चढ़ाई करने में थक गए हैं, और अंधेरा भी होने वाला है, बहुत ही अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। और अभी इतना चढ़ना है, और देखो पत्थर बहुत है, और ऐसे कांटा वाले पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी तो ठंडी का मौसम है, फिर भी गर्मी हो रही है तो पसीना निकल चुका है, थोड़े बहुत नज़दीक आ चुके हैं हमें जहाँ कैंप लगाना है वहाँ। तो देखते हैं कोई अच्छी सी जगह। बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, और आसपास का व्यूज देखो, बहुत दूर दूर तक चारों तरफ पहाड़ बड़े बड़े। एक सामने वाला देखो, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, तो कभी उसके ऊपर भी हम कैंपिंग करेंगे। पहले लगा देते हैं टेंट, उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ चढ़ के थक गया है, पसीना निकल चुका है ठंड के मौसम में भी। तो दोस्तों, टेंट तो हमने लगा दिया है, तो ऐसे तैसे टेंट लग चुका है, और अंधेरा भी हो चुका है, और हमारा आज निकलने का कोई प्लान नहीं था, और अचानक से आदित्य भाई का फ़ोन आया, चलो कि कैंप करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही निकल गए, थोड़ा बहुत जो भी सामान था हमारे पास वो लेके हम निकल चुके हैं। तो अभी हम क्या खाना बनाएंगे, क्या करेंगे, उसका कोई प्लान आइडिया नहीं है, क्योंकि जितना सामान आया है उतना बराबर है, उसका बैग में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है।
तो क्या होगा क्या पता। और सबसे बड़े मुश्किल बात वही है कि यहाँ अभी थोड़े टाइम से बहुत चेयर दिखाई देते हैं, बहुत लोगों को चेयर दिखाई दिया है। आजू बाजू के खेत में जो लोग होते हैं वो नाइट में सब घर चले जाते हैं, कोई खेतों में भी नहीं रहता। तो अभी थोड़ा डर का माहौल है, थोड़ा नहीं बहुत डर का माहौल है। तो हम दुआ करते हैं कि हमें चेयर अपना भोजन ना बनाए, तो अच्छी बात है। अब क्या होगा वो तो क्या पता, लेकिन अभी हमें हमारा भोजन बनाने का टाइम है क्योंकि भूख लगी है, पहाड़ चढ़ के आए तो थक गए हैं। हमारे पास वो पोर्टेबल चूल्हा तो है खाना बनाने के लिए, लेकिन ठंड के बसने के लिए ये हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जानवर के बसने के लिए आग लगानी पड़ती है, जानवर शेर से बसने के लिए आग लगानी पड़ेगी। तो ये लकड़ी है, तो लकड़ी से हम आग लगा के यहाँ आग चालू रखेंगे ताकि आस पास शेर हो तो पास ना आए, दूर से ही निकल जाए। यहाँ हमारा टेंट है और यहाँ हम लगाएंगे आग, टेंट के पास ही लगाएंगे। कुहाड़ी कुहाड़ी से तोड़ो, कुहाड़ी से टूट जाएगा, तोड़ दिया। तो सब जगह के सुमसाम हो गया है, हमारे सिवा कोई नहीं है। तो देखो नील गाय हमारे यहाँ से रोज बोलते हैं, तो बहुत सारे रोज है, बहुत बड़े बड़े है, लेकिन दूर है इसलिए कम दिखाई देता है, सामने वाले पहाड़ के ऊपर है। तो आप देखो लाइट में दिखाई दे रहे, तो देखो चांद भी दिखाई दे रहा है। तो आज चांदनी रात है और अब बनाएंगे खाना। तो हमें खाना बनाने की तैयारी हो गई है, तो ये सब हम घर के काट के लाए थे ताकि यहाँ सब मेहनत कम करनी पड़े। तो देखो ये कांदा, कोथमरी और ये सब काट के लाए, और ये सारा सामान, इसमें सारा मसाला है, पानी है और हमारा पोर्टेबल चूल्हा, तो इस पर हम बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनाएंगे उसका कोई प्लान नहीं। क्या बनाएंगे बोलो, आपका क्या मन? बाजरे की रोटी होती है और उसके अंदर दही और उसके अंदर ये सब मसाले होते, कांदा है, टमाटर है, ये भी हरी मिर्च है, नींबू है, ये सब डाल के उसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के बाद उसके अंदर हम डालेंगे बाजरे की रोटी और इसके अंदर डालेंगे हम दही। दही भी हम चाथ लाए हुए हैं, दही डाल के उसको बोलते हैं गुजराती भाषा में, हम बोलते हैं उसको दिल खुश, मतलब जो खाने के बाद दिल खुश हो जाता है, इसलिए उसका नाम दिल खुश रखा हुआ है। और ये ट्रेडिशनल है, हर गुजराती को पता होता है, यहाँ का जो गुजराती होता है बाजरे की रोटी में से खाते हैं लोग हम, और जो बची हुई है ये भी नहीं है, ये तो हम ताज़ा बना के रखे, वरना अगर शाम को बनी रोटी बाजरे की रोटी होती है और सुबह खाने का दिल कर गया तो उसको हम तोड़ देते छोटे छोटे टुकड़े में। आज बनाएंगे हम, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। उसमें रोटी है, निकालो तो बाजरे की रोटी। तो ये रोटी है दोपहर के लिए बनाने की, लेकिन इस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है बाजरे की रोटी। तो गेहूँ की रोटी भी है लेकिन वो तो हमें ऐसे ही लाए हैं, लेकिन हम बाजरे की रोटी का कुछ बनाएंगे बहुत अच्छा आपको नया कुछ। ये बाजरे की रोटी है, इसको क्या करना है पता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में डालना है, थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है बाजरे की रोटी को, ऐसे ऐसे टुकड़े में हम डाल तोड़ देंगे। उसको तोड़ने के बाद हम सब यहाँ पर, ये ट्रेडिशनल गुजराती ही है और बाहर कहीं बनती है तो नहीं बनती हमें नहीं पता, लेकिन मैं फौज में जहाँ तक रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वहाँ तक तो ये गुजरात की ये ट्रेडिशनल है। ये अपना आ गया खड़ा वाला लहसुन हो गया, पूरा लहसुन हो गया, जीरा, और ये अपना जिसको हम राई बोलते हैं, वैसे सरसों का सीड, सरसों सीड आती है और सरसों सीड, ठीक है, ये सब आ गया इसके अंदर। इसके अंदर हींग भी डाली हुई है, सब मिक्स किया हुआ है इसमें, हींग है, हींग, राई, जीरा, ये अपने आगे प्याज, अदरक है, इसमें लहसुन है, और ये हरी मिर्च है, उसका पेस्ट बनाए थे वो हम लेके आए थे घर के। बहुत ही बढ़िया स्माइल आ रही है, तो देखो कितना अच्छा मसाला बना है, और थोड़ा बहुत पानी डालेंगे, और ये मसाला, ये बाजरे की रोटी है, और ये देखो कांदा मिर्च।
थाको तो बना दिया नहीं मैं दो थाको साज मजा आवे नहीं मैं दो आवे तो देखो एकदम स्वादिष्ट ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें डालेंगे बाजरे की रोटी के टुकड़े और बहुत ही खाने में मजा आने वाला है और भूख भी बहुत लगी है। सूप की तरह अभी बना है हाँ। तो मुझे लगता है इसकी जो सुगंध आ रही है उसके लेके मुझे लगता है मुझे स्वाद उसका सखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है देखो वो ये जैसे सूप ये मंचाओ सूप से भी जबड़िया बन गया ओह बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म इतना बढ़िया सूप मैंने कभी नहीं पिया तो मजा आने वाला है बहुत है खाने में। तो अभी ये सूप की तरह मैं पी रहा हूँ। ये बनकर तैयार हो चुका है हमारा खाना तो दिल खुश तो दिल खुश होने वाला है। और ये चावल हम दोपहर का लाए थे, दोपहर में बनाए थे तो हम साथ में लेके आ गए। और बहुत सारी चीजें लड्डू भी है हमारे पास तो खाना तैयार रेडी हो चुका है तो हम खाएंगे, खाने का मजा लेंगे। अब जलाएंगे आग क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है तो आग जला के बैठेंगे और मजा करेंगे। तो दोस्तों आग भी बुझ गई है, देखो कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लाए थे सब जल के राख हो गई। तो अब बज चुका है 12:30, अब देखो चांद भी ऊपर आ चुका है और अभी हमें लग रही है बहुत ही ठंड। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ठंड आज कम पड़ेगी लेकिन नहीं, अभी तो हवाएं भी तेज़ हो गई है और बहुत ठंड लग रही है तो रात में भी बहुत ठंड लगने वाली है। ये उड़ने के लिए एक चादर है और यहाँ हम सोएंगे तो चलो जाते हैं टेंट के अंदर। ये लाइट पकड़ के बैठे और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी सोने का टाइम हो गया है और टेंट पहले बंद कर देते, सो तो नहीं जाएंगे, बार बार जगना पड़ेगा, सोएंगे जगना पड़ेंगे क्योंकि लाइन का डर है और कभी शेर भी आ सकते हैं और तेंदुआ भी तो उसका भी डर लग रहा है। तो ठंड लग रही है तो हम टेंट के अंदर टेंट बंद कर देते हैं, उसके बाद अंदर बैठ के बातें करेंगे, सोते सोते बात करेंगे। और सोने का क्या है अभी, ये देखो ये कंकड़ वाले जमीन है इसमें क्या सोएंगे पूरा कंकड़ ही नीचे सोने पत्थर है छोटे छोटे ठंडा लगे क्या होता क्या पता। और तेंदुआ शेर ना आए तो अच्छी बात है। और हमारे आग देखो हमने जलाई थी, बहुत सारी लकड़ियां लाए थे लेकिन वो सब जल गई तो हमने लगभग 3-4 घंटे वहां बैठे और आग की वजह से ठंड नहीं लग रही थी लेकिन आग खत्म होते ही अब ठंड लगना चालू हो गया तो हमने जैकेट भी देखो पहन लिया। तो अब करते हैं बंद। ऐसा टेंट है हमारा बहुत बड़ा है, 4 लोग आराम से अंदर आ जाते हैं, सब सामान और सब कुछ आराम से अंदर आ जाता है। कब तक जगेंगे उसका पता नहीं, कितने बजे सो जाएंगे उसका पता नहीं, लेकिन अब वीडियो में हम मिलते हैं सुबह में और सुबह का नज़ारा देखेंगे। बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है, अभी धुम्मस है चारों तरफ बहुत, सुबह में कैसा लोकेशन रहता है और कैसा मज़ा आता है, सनसेट होगा तो सुबह में मिलते हैं और सुबह में बनाएंगे चाय नाश्ता, उसके बाद आराम से हम घर जाएंगे तो मिलते हैं सुबह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं तो आदित्य भाई तो बाहर ऐसे घूमने चले गए और मैं अभी टेंट के अंदर हूँ और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ एकदम धुम्मस कोहरा कोहरा है। तो चलो मैं भी बाहर निकलता हूँ और बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखता हूँ। और बाहर देखो ऐसा नज़ारा है, चारों तरफ कोहरा है और यहाँ से होगा सूर्योदय। अभी का नज़ारा आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है, देखो चारों तरफ कोहरा कोहरा
और यहाँ से होगा सूर्योदय, लेकिन धुम्मस और बादल की वजह से शायद मुझे नहीं लगता है दिखाई दे। तो ये हमारा टेंट और टेंट के आसपास देखो कुछ ऐसा था, इस तरफ बहुत पेड़ थे देखो, लेकिन रात में कुछ नहीं दिखाई दिया। इसमें शेर तेंदुआ होते हैं इसके अंदर ही, तो ऐसा कुछ नजारा था। यहाँ है हमारा टेंट, दातुन है ये नीम का दातुन, जो हम गांव में बहुत लोग अभी भी नीम का दातुन करते हैं, समझो के ब्रश। बहुत ही खूबसूरत नजारा है और मैं दातुन कर रहा हूँ नीम का, और अब बनाएगी हम चाय, और यहाँ से चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। चाय बनाएगी और देखो साथ में नजारा कैसा है। तो मुझे लगता है सनसेट होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सन दिख रहा है, तो इधर बनाएंगे चाय। ये है हमारा नाश्ता, लड्डू है, चाय है और देखो चक्री है। तो करेंगे नाश्ता और देखो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखता है, और ये हमारा टेंट। तो चलो करते हैं नाश्ता। दोनों एक साथ सन और मून, तो इस तरफ आपको देखो मून दिख रहा है और इस तरफ सन। तो आज थोड़े बादल है इसलिए थोड़ा सनराइज कम अब दिख रहा है, इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखो चारों तरफ कोहरा है और इधर हमारी चाय नाश्ता हो रहा है, भी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, और बहुत ही सोने का मज़ा भी बहुत आया, और थोड़ी बहुत ठंड थी लेकिन मज़ा आया। और अभी फिलहाल बैठे हैं और चाय नाश्ता कर रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है निकलने का, और हमारा सामान देखो पैक हो चुका है, और देखो टाइम भी बहुत निकल चुका है, तो बहुत ही मज़ा आया। तो अब निकलते घर के लिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।